खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्ना समाचार। विवाहिता ने घर कलेश के परिस्थितियों में लगाई फांसी। विवाहिता के पिता पहुंचे थाने। अवगत करा दी कि जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतोली गांव दाहोद में विवाहिता ने घर कलेश में लगाई फांसी। बताया जा रहा है पति दारू पीकर करता था मारपीट। तकरीबन रात्रि 11 बजे के बीच विवाहिता ने फांसी लगाई, फिर दहेज ने ली जिंदगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा वार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोगों के दिल से पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है। आए दिन नारियों के मामले दहेज को लेकर थाने में आते रहते हैं, लेकिन नारियों के साथ फिर भी अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कब मिलेगा नारियों को इंसाफ? लड़की के पिता ने बताया कि मैंने लड़की की शादी में 10 लाख रुपए दान दहेज में खर्च किए थे, लेकिन फिर भी ससुराल पक्ष से पैसे की ओर बुलेरो गाड़ी की डिमांड आती रहती थी, जिस पर ससुराल पक्ष पर लड़की के पिता ने आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के अफान अख्तर के साथ अमान काजी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सूरज मलिक। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? कभी देख जाए मोटरसाइकिल दी थी 2 लाख रुपये लगती थी जी। अच्छा, उसके बीच में बीमार हुई लड़की, उसमें पैसे दिए उधार ले। अभी कल पहले भी आप लोग आए थे गांव में दौड़ झगड़ा होने पर? नहीं, गांव में पता लगा झगड़ा हो रहा है, मैंने लेने के लिए आई थी लड़की, लेकिन कट गया अपने आप ले आऊँ 2 दिन बाद। अच्छा, कल यहाँ से लड़का 2 बार गाँव में, उसके बाद शाम को किसी वक्त शाम को बाहर। अच्छा, लड़का भांग कर दब देता है। अच्छा, लड़का क्या काम करता है वो? लड़का तो कुछ भी नहीं, घर ही रहे फिलहाल। क्या नाम है उसका? विशाल। और लड़की का क्या नाम था आपकी? शीतल। शीतल। और विवाद किस बात के ऊपर बढ़ा? कुछ नहीं, विवाद का तो उनका घर का अपना मैटर है, वो दारू ना करे तो विवाद क्या था? कोई मांग कर रखी मांग तो पहले बुलारो मांग रहे उस चक्कर में कई बार झगड़े गवाड़े भी गए वहाँ। अच्छा सर, एक दौर में हत्या हुई है, क्या है प्रॉब्लम? देखिए, ग्राम दाहोद में एक विवाहिता महिला द्वारा आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, इसके हम लोग गए थे और इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। महिला के पिता द्वारा एक तहरीर भी थाने को प्राप्त हुई है, जिसमें उनके द्वारा अपनी पुत्री को दहेज के लिए उत्पीड़न करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जाँच के कर रहे हैं। जाँच के बाद अवश्य सर, इसमें किसी की गिरफ्तारी भी होगी? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी प्रार्थना पत्र की जाँच नहीं है।